हे नमस्कार दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं वन प्लस के न्यूली लॉन्च वन प्लस नॉर्ड ईयरफोन्स, जो कि एक वायर्ड ईयरफोन्स है वन प्लस की तरफ से। और इनका जो प्राइस है ना, वो यहाँ पर 799 मतलब 800 रुपए है। तो आज के वीडियो में हम जो है इन ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि 800 रुपए के हिसाब से जो है कितने वैल्यू फॉर मनी है ये ईयरफोन्स। तो वीडियो को जो है यहाँ पर बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ आपको जो है कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर सामने की तरफ ही जो है वन प्लस नॉट ईयरफोन्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और बॉक्स के पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो है ईयरफोन्स के कुछ फीचर्स और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर इसका MRP जो है 1299 रुपए मेंशन किया गया है। बट इन ईयरफोन्स का जो करंटली प्राइस है वो यहाँ पर 800 रुपए, और इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो किसी को चेकआउट करना है तो कर सकता है। तो चलिए फिर बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो है क्या क्या दिया गया। और जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हो तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जो है ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल जो बॉक्स में आपको ये सब चीजें ही देखने को मिलती है, जहाँ पर सबसे पहले आपको जो इसका यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वन प्लस का एक रेड केबल क्लब का कार्ड मिल जाता है। और बॉक्स में जो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दिए गए डिफरेंट साइज के, तो अपने साइज के हिसाब से आप जो इनको यूज कर सकते हो। लास्ट में अगर यहाँ पर जो ईयरफोन्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम यहाँ से जो है कवर को हटा लेते हैं। तो ईयरफोन्स आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में इसके। तो ईयरफोन में आपको यहाँ पर जो है सिल्वर कलर का 3.5 mm वाला जो है जैक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो इसमें पूरा ब्रेडेड केबल मिलता है, और यहाँ पर केबल भी जो है थोड़ा सा मोटा है, तो केबल की क्वालिटी जो है काफी बढ़िया है। वैसे तो उन्होंने यहाँ पर जो है केबल का लेंथ कहाँ पर भी मेंशन नहीं किया, लेकिन काफी बड़ा आपको यहाँ पर केबल मिल जाता है इसमें। तो डेफिनेटली केबल का क्वालिटी जो है काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पर आपको केबल के पास ही जो इसका कंट्रोलर मिल जाता है। तो कंट्रोलर में आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत रेड कलर का एक्सेंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं उससे यहाँ पर आप जो है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज प्ले पॉज कॉल एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हो बेसिकली। और लास्ट में अगर हम जो इसके बड्स के बारे में बात करें, तो बड्स में आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। बर्ड्स के पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा पैटर्न टाइप देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो है मैग्नेटिक ईयरबड्स दिए गए, हालांकि इससे जो है वीडियो या फिर म्यूजिक जो है प्ले और पॉज नहीं होता है, बट फिर भी आपको यहाँ पर जो है मैग्नेटिक ईयरबड्स मिल जाते हैं इसमें। और अगर मैं यहाँ पर जो इसके बर्ड्स के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है प्लास्टिक ही यूज किया गया, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो काफी बढ़िया, काफी हाई क्वालिटी प्लास्टिक का जो यहाँ पर यूज किया गया है। वैसे तो यहाँ पर जो ईयरफोन का वेट होता है ना, उससे तो यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका जो वेट है ना अराउंड 14 grams के आसपास है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो जो है ईयरफोन्स काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो इन ईयरफोन्स में जो यहाँ पर 9.2 mm के ड्राइवर्स का यूज किया गया है। और डेफिनेटली साउंड क्वालिटी तो अच्छी लगी मुझे, इसका प्राइस भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है आपको इसमें। यहाँ पर आपको जो है ट्रबल्स और वोकल्स जो है काफी ज्यादा क्लियर देखने को मिलते हैं। साउंड में जो डिटेलिंग है ना वो काफी बढ़िया देखने को मिलता है बेसिकली। मैंने इसमें जो यहाँ पर काफी सारे म्यूजिक वगैरह सुने थे और वीडियोज वगैरह भी देखे, तो यहाँ पर जो साउंड में डिटेलिंग है ना वो काफी बढ़िया है। मतलब सॉन्ग में जो भी पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह है उसका डिटेलिंग जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है आपको। तो डेफिनेटली साउंड क्लैरिटी जो है काफी अच्छा है इन ईयरफोन्स का। बाकी अगर हम बेस के बारे में बात करें, तो बेस का लेवल भी जो है काफी बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन उतना पंची या फिर बूमी टाइप का बेस नहीं लगा मुझे पर्सनली तो। और इनका लाउडनेस भी जो है काफी ज्यादा है, फुल साउंड करने पर जो है काफी ज्यादा लाउड हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बर्ड्स है उसमें साउंड भी थोड़ा सा लीक होता है फुल साउंड करने पर। और बाकी वैसे तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं आएगा इसके साउंड क्वालिटी का, फिर भी आप जो इसके साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा सैंपल देख सकते हैं। तो अभी जो मेरे पर साउंड सुन रहे हो ना, मैंने इन ईयरफोन्स का जो यहाँ पर माइक से रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर आप जो है ऑडियो सुनकर जज कर सकते हो कि आपको यहाँ पर जो है किस टाइप की माइक की क्वालिटी देखने को मिलती है इन ईयरफोन्स में।
और ऑब्वियसली वायर्ड ईयरफोन्स है तो गेमिंग वगैरह के लिए भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है गेमिंग में भी काफी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है साउंड में। मैंने यहाँ पर पर्सनली जो है BGMI और फ्री फायर ट्राई किया था, उसमें आपको यहाँ पर जो है डिटेलिंग काफी अच्छा देखने को मिलता है साउंड में। और इन ईयरफोन्स का जो यहाँ पर बर्ड्स है ना, वो यहाँ पर जो है IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है सिर्फ बर्ड्स ही, बाकी अगर इसके कंट्रोलर वगैरह में पानी जाता है तो खराब हो सकता है। लास्ट में अगर मैं यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो करंटली प्राइस है ना, वो यहाँ पर 799 मतलब 800 रुपए। और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आपको एक बार चेकआउट करना है तो आप कर लेना। तो ओवरऑल अगर हम जो इन ईयरफोन्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर जो है डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। डिजाइन तो सेम है जो नॉर्मल ईयरफोन्स आते हैं उसी टाइप का डिजाइन मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है इसका। और इसमें आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी जो है काफी बढ़िया देखने को मिलता है, साउंड में जो डिटेलिंग वगैरह है ना वो काफी अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पर जो है ज्यादा ईयरफोन्स यूज करते हो और अगर आपको यहाँ पर जो है वायरलेस ईयरफोन्स या फिर बड्स ज्यादा पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि मैं भी पर्सनली यहाँ पर जो है ईयरफोन्स वगैरह यूज करता हूँ, क्योंकि काफी कन्वीनियंट होता है। वायर्ड ईयरफोन्स में यहाँ पर जो है चार्जिंग वगैरह का झंझट नहीं होता, इजिली कैरी करो, जब यूज करना जब यूज कर लो। तो अगर आप यहाँ पर जो है वायर्ड ईयरफोन्स ज्यादा प्रीफर करते हो अपने वर्क के लिए या फिर म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, तो डेफिनेटली आप जो इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है आपको इनमें। फिर भी अगर आप ओवरऑल भी देख रहे तो थोड़ा सा जो है ओवर प्राइस भी लगा मुझे इसका, प्राइस थोड़ा सा और कम होता 500 या फिर 600 रुपए के आसपास तो अच्छा रहता। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।